ला भगतो गढ़ कुमोद सान जयोला, मेरी कालिंगा माता का दर्शन करियोला। हे चल भगतो गढ़ कुमोद सान जयोला, मेरी कालिंगा माता का दर्शन करियोला। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस, और स्वागत है आपका फिर से हमारे नए व्लॉग में। और सबसे पहले आपको बोलना को जय माता दी, क्योंकि आज है तारीख 27 दिसंबर और आज माता रानी का यात्रा हो चुका है और सारी जगह से लोग बाग गाड़ियाँ आने लेके सुबह से ही भीड़ हो चुकी है, गाड़ियाँ जा रही रोड से। बट अभी हम उठ चुके हैं अर्ली इन द मॉर्निंग और जरा मौसम चेक करिए भाई साहब। तो हे गाइस, फिलहाल हम हो चुके हैं तैयार मंदिर जाने के लिए सज धज के, और गाइस घर की तरफ से तो हमने प्रस्थान कर लिया, अब हम चल रहे हैं अपने गणेश भाई की तरफ। दोस्तों इन भाई साहब के घर में पहुंचे तो सुबह बल 7 बजे से तैयार होके रखे हैं और अभी खा रहे हैं पहाड़ी फेमस डबल रोटी, दोनों की रोटी। फिलहाल हम जय माता दी। तो गाइस फिलहाल हम अपने घर से निकल चुके हैं काली माता के मंदिर के जाने के लिए, अभी हम जा रहे हैं अपने तल्ली बाखली में, वहाँ पे थोड़ा पूजा वूजा होगी, देवते देवता नाचेंगे, माता का करेंगे दर्शन, और नीचे हमारे बल्ली भाई बल्ले नमस्कार। वही फिलहाल गाइस पूजा वूजा चल रही है यहाँ पे हमारे गांव के सारे लोग और जितने भी हैं। जोर से बोल। फिलहाल पूजा चल रही है, थोड़ा इनको पानी आनी चढ़ाएंगे, टीके क्या करेंगे इनका, फिर चलते घर की तरफ, गाइस सॉरी मंदिर की तरफ चलते फिर। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे, ये हमारी गांव की पार्किंग है जी, हम जा रहे हैं मिसराई खेत की तरफ, तो आज काफी भीड़ हो चुकी है गाइस इधर हमारे रोड पे, मतलब आप आ दो तो भीड़ रहे हैं। जय माता दी। दोस्तों चलो अभी मिसराई खेत मार्केट में गाइस। ओहो संजो भाई साहब, तो निकल चुके हम अपने स्टेशन से भंगवाड़ी की तरफ, और ये हमारा नेक्स्ट स्टेशन भंगवाड़ी, और हम तीनों को तीनों बाइक में जा रहे हैं। घूम बम्बई घूम दिल्ली घूम घूम मद्रास और कलकत्ता, जन रंगत मेरा उत्तराखंड मचा, उन्हीं रंगत कखी और नीचा। माता रानी का दर्शन, जय माता दी। तो फाइनली पहुंच चुके हम माता रानी के दरबार पे, और ये गांव है अपना मटखानी। गाइस यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने गाड़ी को रोक दिया, इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, तो ये व्यवस्था मुझे लगता है कि पहले से होनी चाहिए थी, वहीं से गाड़ियाँ रोकनी चाहिए थी, बट अब यहाँ से पैदल पैदल चलेंगे ऊपर की तरफ। पहुँच चुके हैं अपने खाली ढहिया में पहुँच चुके हैं, और अपने जान पहचान वाले भी हमें, मतलब अभी हम ढूंढ रहे हैं अपने गाँव वालों की दुकान को, पता नहीं है कहाँ पे, यहाँ पे ना क्या 200 रुपये, तो यहाँ पे काफ़ी उत्तराखंड के कल्चर को यहाँ पे दुकानों में सजाया हुआ है। और उधर चक्करे वाइज हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने माता रानी के दरबार पे, यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, उसके बाद हम फाइनली माता रानी के दरबार में पहुँच जाएंगे। हमारे रिपोर्टर संजय सिंह बताएंगे कि आप अभी तक किस किस दुकान, क्या क्या दुकानें देखी अभी। हमने अभी तक बहुत सारी दुकानें देखी, नीचे से जलेबी की दुकान है, और यहाँ पे मोमोज भी हमने पहली बार देखी थी, हमारे एरिया में मोमोज की दुकान भी दिख रही है, और लोग बड़े चाव से उस चीज को खा रहे हैं, काफी भीड़ यहाँ पर, काफी भीड़ है। तो फिलहाल सही भगजन, अब फिलहाल ये चक्कर है बॉयज आप हिमालय की ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हमारे सभी भक्तजन मंदिर की तरफ हो जाते हुए, और हम भी धीरे धीरे कोशिश करेंगे आपको कि अच्छा सा अच्छा व्यू दिखाएं। अभी हम पहाड़ों की तरफ चढ़ रहे हैं, देन उसके बाद आपको दिखाएंगे हम पहाड़ों का सुंदर व्यू, और यहाँ से शायद बोलते हैं कि लौली बूबा का उड़िहार भी दिखता है। फाइनली ये चक्कर है बॉयज माता रानी के दरबार के करीब करीब जाते हुए, तो आप एक सिनेमैटिक सो बनता गाइस यहाँ से।
दगड़ो, जैसे जैसे हम 11:30 जैसे जैसे हम माता रानी के दरबार के करीब, वैसे वैसे एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ती जा रही है। और ऊपर बाहर में आके ठंडी ठंडी हवाएं, सारे लोग ठंडी ठंडी वादियों का लुफ्त लेते हुए। बट वॉइस रिव्यू हम इसलिए कर सकते, तो जब भी दिखाएंगे आपको तो ये वाला भी दिखाएंगे। फिलहाल चलते हैं माता रानी के दरबार की तरफ। हमारे भाई लोग काफ़ी कष्ट आनंद आ रहा है। और भगत सिंह तो फोटोग्राफी में लगे हैं गाइस, तो आपको फोटोज भी मिलेंगी। तो क्रेडिट गोज टू ऑल भगत सिंह रावत जी, हमारे बड़े भैया। फिलहाल हम अभी तो भाई खाने लग रही है, धूप भी आ रही है, हॉल भी सारे कुछ एक साथ हो रहा है। हेलो, अरे हमारे हिमालय स्वीट वाली दुकान में भाई हमारे मेहरवान सिंह जी। तो इनको ढूंढते ढूंढते काफी टाइम हो गया, तो ढूंढते ढूंढते पर ये आप जाके मिले यहाँ पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब YouTube चैनल कैंडी है, कैंडी क्या कैंडी विद यू, कैंडी विद यू मैन फोर गाइस। इधर अपने गांव वाले की दुकान और ऊपर माता रानी का दरबार। फिलहाल अभी हम थोड़ा इधर आराम करते हैं, फिर दर्शन दर्शन करके आते गाइस। चल देते आपके यहाँ के सिनेमैटिक्स ऊपर, तो बहुत बड़ी लाइन है, कम से कम 1 किलोमीटर लाइन है। तो फिलहाल अभी हम ऊपर ऊपर चलते हैं। अपनी शॉप यहाँ पे जलेबी जलेबी रही भाई, बताएंगे हमने क्या क्या लगा रखा हमने आज स्टॉल पे। जलेबी है यहाँ पर, मीठा है, कोल्डिंग है, कोल्डिंग में सारी वैरायटी है, एक्सपेंजेड और रोस्टेड छोले हैं। तो अपने भाई लोग कल रात से यहीं पे हैं, कल रात पूरा रात जागरण किया उन्होंने माता रानी के दरबार में, और फिर सुबह सुबह स्टॉल लगाई भक्तजनों के लिए। रामनगर से हिमालय स्वीट वाले भाई की दुकान आ रखी है यहाँ पे, और बहुत अच्छी दुकान है। जलेबी है, पेठा है, और ये क्या चीज़ है भैया? रोस्टेड छोले। रोस्टेड छोले, और पानी की व्यवस्था है यहाँ पे जो सबसे अच्छा कर रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी रामनगर में जाओ तो हमारे हिमालय स्वीट से मिठाई लें। वहाँ पे अगर आप सरायखेत का नाम लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हमारे मेहरबान भाई हैं यहाँ पे, और रविंदर भाई हैं। तो ये गाइस इनका बहुत बड़ा योगदान है। कल रात भर से माता के दरबार में आए हैं, तो बहुत ही ज्यादा भीड़ यहाँ पे। हमको हमारे बचपन के मित्र गौरव रावत मिल चुके हैं, और काफी शर्मा रहे हैं ये। तो ये हमारे बचपन के मित्र हैं, बाद में छोटे दोस्तों। दुकान से हम अब ऊपर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और एक थक चुके हैं बहुत गाइस, तो थोड़ा हमने रेस्ट लिया, उसके बाद हम चल रहे हैं आगे की तरफ। तो सही भाई लोग, तो सुनने में ही आ रहे कि 1 किलोमीटर से ही भेड़ की लाइन शुरू हो गई है, और यहाँ पे कपड़े उपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान सब चीज की दुकानें लगी हैं, और बारीक बारीक जलेबी ले जाओ, काफी चीजों की दुकानें लगी हैं। फिलहाल अभी मैं ऊपर को चलते हैं, उसके बाद में आते हैं तुम्हें और नए लोगों से। ये चेक करिए बॉयज, हर चीज की दुकानें लगी यहाँ पे, ज्वेलरी से लेके नथ मांग टीका कपड़े वपड़े चौमिन वोमिन हर चीज की दुकान लगी है। हमारे दोस्त लोग काफी मजे लेते हैं। संजय भाई, भगवती मैया की। और आप देख सकते हैं हम सारे हमारे गांव के जो भी युवा लोग हैं साथ में चल रहे हैं अभी, तो काफी अच्छा लगा जी, आनंद आ रहा है। वीरू भाई भी पहुंच चुके हैं हमारे साथ, किसी को मान पा गए। तो यहाँ पर जगह जगह पर आइसक्रीम भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ से गाइस ये माता रानी का दरबार शुरू होता हुआ, और ऊपर जाने के लिए भक्तों के लिए। लास्ट टाइम भी जब आए थे तो काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी, तो चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, उस चलते इन्होंने यहाँ पर ये बनाया डाले। बहुत अच्छी जगह में है, और लोग यहाँ आने के लिए मौका ढूंढते हैं। हमारे पास भी ऐसा मौका आ रखा है कि हम भी माँ के दर्शन करने के लिए आज पहुँचे हैं। अरे हमारे तो माता रानी के जयकारे लगाएंगे हम एक बार। संजय सिंह रावत जी, प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, भगवती मैया की जय। लाल भीड़ चेक करिए आप, तो बहुत लंबी लंबी लाइन लग चुकी है। सुनने में आ रहा है कि लोग सुबह 4 बजे से ही आना स्टार्ट कर रहे थे लोगों ने यहाँ पर, तो काफ़ी भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो सकती है, लेकिन तो दर्शन यहाँ पर
पूजा जो होती है गाइस, जो मंगलवार और शनिवार को होती है मेनली जो माना जाता है। तो आज मंगलवार है तो पूजा वूजा हो रही है। फिलहाल चलते हैं मंदिर की तरफ, फाइनली माता रानी के दरबार में। और आप देख चुके हैं कि लोग जगह जगह पर बैठे हुए हैं, हम भी धीरे धीरे अब चढ़ते हुए। तो फिलहाल हम 6-7-28 जने जा रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं ऊपर जाके कोई मिलता है तो उनसे मिलते हैं। पर गाइस बहुत भीड़ हो चुकी, बहुत ज़्यादा भीड़, गाइस खचा खचा खच भरा हुआ यहाँ पर माता रानी का प्रांगण। और देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन की भी टीम है, प्रशासन काफ़ी साथ देता हुआ योगदान दे रहे हैं। प्रशासन तो 10-15 किलोमीटर से अपना योगदान बना के रखे हैं। माता रानी का गुणगान करते रहे। मेहरबान सिंह कैसा लग रहा है फिर? दुकान है ठीक है, अभी ये चक्कर है बॉयज़। ज़रा भगत सिंह कहाँ गए? तो फिर हम हमारे आगे चलते हैं धीरे धीरे मुंबर की तरफ, माता रानी के प्रांगण की तरफ। तो ये मेन गेट यहाँ का, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलते हैं। तो संजू उल्टा चल गए तू, संजू अली गाइज आप चेक कर सकते हो कितनी भीड़ हो रखी है। तो काफ़ी यहाँ के दरबार में बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ हो जाएगा। और पीछे चेक करिए बॉयज आप, जरा पता नहीं दर्शन भी मिल पाए ना मिल पाए, बट हिमालय का लुक क्या से गाइस। तो कभी फ्री में आएंगे तो आपका इसको ड्रोन शॉट दिखाएंगे आपका। चल हम सारे लोग जा रहे हैं अपने वो लेके जा रहा है, जो माता रानी की प्रतिमा। माता रानी सब पे अपना आशा बनाए रखना, जो हमारी वीडियो को देख भी रहे हैं उन पर अपना छाया मार रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना माता रानी। फाइनली गाइस गेट डेट चढ़ा के हम ऊपर आ गए, बॉबी भाई से मिल चुके हैं। तो यहाँ पर व्लॉग बनाना काफ़ी रिस्की है, एक बार तो हमारा फ़ोन छीन चुका है और दोबारा हम चाहते हैं कि थोड़ा माता रानी का रिस्क लेते हैं। भाई उठा रहे हैं, आप इतना रिस्क उठा रहे हैं आपके लिए। अभी बॉबी भाई को यहाँ पे पूनम लिस्ट भी मिली, तो अगर आपको पूनम लिस्ट देखनी है तो वो बॉबी भाई के चैनल में जाना, बॉबी 07। पर अब फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं भगत और को, और भगत भाई पता नहीं कहाँ लापता हो रखे हैं। फिलहाल भीड़ देखिए गाइस, इधर चारों तरफ भीड़ ही भीड़। ये लोग मिले हमें, इसके बाद पता नहीं ढूंढते हैं भगत और भाई को, वो पता नहीं कहाँ होंगे। इधर गाइस कहीं से भी कोई भी उठा के आ सकते हैं फ़ोन। ये यहाँ के काली माता मंदिर के पेंटर हमारे अंकित भाई और उनकी टीम यहाँ पर, अपने संदीप भाई भी हैं, सुरेंद्र इंद्र सब मिल चुके हैं। तो अगर आप कभी फुर्सत से आए तो जो भी पेंटिंग देखने को मिलेगी अंकित भाई का, इनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, और कॉल कीजिए इनको, है ना अंकित भाई। और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर आपको यूट्यूब और इंस्टा फेसबुक इनकी वीडियो मिल जाएंगी अंकित नेगी के नाम से। फिलहाल इंस्टाग्राम को भी पता कर लेना, इंस्टाग्राम तो अंकित भाई का नाम ही काफी है कि साथ में का। फिलहाल बहुत अच्छा लगा मैं अंकित भाई के, इनके ये मेरी दीदी के भी लड़के हैं। बाकी मंदिर में भीड़ चेक करे आप बॉबी भाई के साथ, हम ऊपर चलेंगे फोटो खिंचाने के लिए, है ना। फिलहाल हम जाते हैं उस पहाड़ की चोटी की तरफ जहाँ हम फोटो वोटो शूटिंग करेंगे, भीड़ चले। पर भगत लोग पता नहीं भाई भगत सिंह कैमरा लेके लापता हो चुका, हमने सोचा फोटो से खिंचवाएंगे बट भगत सिंह लापता हो चुका है। मुझे लगता है कि बॉबी भाई के जूते भी खोते जने तो खो गए, लोग भाग तो खो गए। अब तो आप गिला बंदा मेरी भाई की साली सत्ती भाई। तो भाई अपने सत्ती भाई जा चुके, सुनी भाई जा चुके। ओहो ओहो, और ये तो सीन हो गया। बोल भगवती भैया की। चलो हरी अबे जूते उतार के जाओ पागल, मैं अपना एक बार और भगवती भैया की, भगवती भैया की।
गाइस स्कैम हो गया भाई, यकीन नहीं था मेरे को मेरा दोस्त मिलने के बाद। चल पता हो चुका है, पता नहीं कहाँ से लेके भक्तों के पास है। मिलते हैं फिर कुछ देर में, मिलते हैं। ब्लड चढ़ा, ब्लड चढ़ा, बहुत बहुत हार्ड है, साइड से जाना, बेटर ठीक है। भाई को दिखा, भाई को, भाई को पता नहीं देवता आ रहा है। चलो भीड़ चेक करे बॉयस एक बार, लोग गिनने में भी नहीं आ रहे, इतने आंखों से भी देखने में नहीं आ रहे हैं। फिलहाल बॉबी भाई ने पहन लिए अपने जूते होते, अब देखते हैं कहाँ का प्लान बनता हमारा। फिलहाल भंडारा खाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, एक किलोमीटर से लंबी लाइन लगी है। अब भाई लाइन लगी है, हम तो नीचे रोड में फेंगे भंडारा, वहाँ भी हो रहा है, तीन चार भंडारे होते हैं आज, सब जगह खाना है थोड़ा थोड़ा, देखते हैं कहाँ कहाँ मिल पाता है। फिलहाल भक्तों को तो पता नहीं कहाँ लापता हो गया भगत, कहीं दिख रहा हो तो देखते हैं ज़रा। फ़ोन तो कहीं लग नहीं रहा, नेटवर्क होते हुए फ़ोन नहीं लग रहा भगत सिंह का। तो इधर फिलहाल भंडारे के लिए लाइन लग गया, हाँ। और हमारे ये जी ब्योटक लें, जी ब्योटक से आ जाए, और हमारे हम शॉर्टकट में, तो हमारे भाई लोग कह रहे कि पहले खाना खाना है और फिर जाना है जूते। मैंने कहा पहले जूते पहन लो फिर चल रहे हो। ये चेक करिए वो, ये कितनी लंबी लाइन लगी है माता रानी के दर्शन के लिए। फिलहाल अभी चलते हैं, इनके जूते ढूंढते हैं फिर चलते हैं भंडारा खाने के लिए। बट बीच में बहुत सारे लोग मिल चुके हैं, सडनली मिल रहे हैं, जब भी हिम्मू मिला फिर हमारे संदीप भाई मिल चुके हैं, तो ऑन द स्पॉट तो हम उनकी वीडियो बना नहीं पाए, बट तुम्हें इन्फॉर्म कराते। बट ये चक्कर वो इधर सारा माता रानी की भक्तगण, पूरा नीचे तक भीड़ भीड़ भरी हुई है। वो भी भाई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। ये अपनी सोने में मिल चुकी है हमें तो काफ़ी टाइम बाद, दो साल बाद, कमज़ोर हो गई काफ़ी, कमज़ोर हो गई ना, बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। और मन में सच्ची श्रद्धा सही सही हो तभी दिन हम मिल नहीं थे, हम कभी नहीं मिलने से। दोस्तों फाइनली भगत और संजय मिल चुके हैं हमें, ये रहे काफ़ी टाइम बाद संजय भगत मिल चुके हैं। और अभी फिर तो बॉबी भैया बताएंगे कैसे लग रहा है उनको यहाँ पे आके। मुझे यार बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हम 2019 में आए थे, उस टाइम यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी। और ये अभी भीड़ है, आज तो भीड़ है, हमने यहाँ पुरानी वाली फीलिंग आ रही जो पहले पहले वाली भीड़ थी। एक टाइम जब लास्ट टाइम उस टाइम काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी, पर इस बात तो देखो आसमान खुला आसमान, इस बार काफ़ी लोग देखने को मिल गए। और ये देखिए जरा रोड में देखिए भीड़ या खा कब, बस इस बार ज़्यादा लोग पैदल यात्रा कर रहे, काफ़ी अच्छा लगा हमें, तो बस यात्रा पैदल ही होनी चाहिए आई थिंक। हमें हमारे DSLR वाले भैया भगत सिंह, इधर आ जाए इधर भगत सिंह। फिलहाल हम फोटो वोटो खिंचाते हैं फिर चलते हैं अपने किसी मस्त डेस्टिनेशन पे। और बट ये चेक करे वो हिमालय का दर्शन कहेगा। फिलहाल हम चल रहे हैं अपने भगत भाई और की तरफ, और ये इलाका अपना पौड़ी का। फिलहाल फिलहाल ये चेक करे भाई साहब, इधर इधर भी काफ़ी भीड़। तो गाइस फाइनली हमको मिल चुके हैं हमारे भाई लोग, ये इतने देर से ये खो चुके हैं दगड़े हो आप, और दगड़ का और हमारे भाई गणेश भाई, यार 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 ये लोग काफी देर से खो चुके थे, मैं इनको ढूंढते में मैंने भेड़ करने गया, इन हमें पता था क्योंकि सुनील का जो है DSLR हमारे पास था, फोटो खिंचवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी जगह जो हमारे माँ भगवती मंदिर में आज कई श्रद्धालु लोग बड़ी दूर दूर से आए थे, और हम माँ भगवती से ही प्रार्थना करने की सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे। और इनका मंदिर में आए आज हम पर आप फिलहाल माता रानी का कीजिए दर्शन सामने से, तो बोल भगवती मैया की जय। तो भगवती मैया का दर्शन आपको करा लिया हमने, और साथ में हिमालय का दर्शन। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक एक चीज हम दिखाएं। और मैं इनको बता दूं भाई लोगों की, मेरा फोन एक बार छिन चुका है, एक आया था कि तो पागलों पर मैं घूम रहा हूँ तो कि फोन जो, मैंने कहा इस बार आ लो, मैंने कहा सब देख रहे हैं। तो आपके लिए हम माता रानी का दर्शन करा रहे हैं, हम मेरी विनती है माता रानी से, माता रानी आप हर मनोच्छा पूरी करे, हर भाई भगवान हर हर किसी की श्रद्धा यहाँ पे आए हैं, और जितने भी अपने घर परिवार से माँ का स्मरण कर रहे हैं उनको अपना आशीर्वाद बना के रखें, और तो फिलहाल गाइज माता रानी का प्रस्थान अपने निवास स्थान कोठा की तरफ। और ये काफ़ी एक बहुत प्यारा मोमेंट होता है जिसमें माता रानी फिर आप
तीन साल बाद बाहर निकलेगी हमें दर्शन देगी और बस कुछ ही देर में आपको माता रानी यहाँ से प्रस्थान होते हुए दिखाई देगी। फिलहाल अभी माता रानी अपने भक्तों को दर्शन देते हुए आशीर्वाद दे के माता रानी हमारी मनोकामना पूरी करके हमारी वीडियो को देख रहे हैं। फिर माता रानी के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर है ना। सभी सब्सक्राइबर के लिए और अनसब्सक्राइबर सबके लिए हमारी तरफ से माता रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद। फिलहाल अब एंड मोमेंट में माता रानी का दर्शन कर लीजिए, उसके बाद माता रानी प्रस्थान करके अपने निवास स्थान की तरफ। तो फोटो खेल किचन में तो गए, यहाँ पर रास्ता खाली करवा रहे हैं अब यहाँ के समिति वाले कि माता रानी का जाने का समय हो चुका है। और हाँ ओ माता जी, जय माता रानी। माता भगवती हे माता कालिका, हे माता भगवती हे माता कालिका। ये देखिए सारे भक्तगण अपने घर की तरफ प्रस्थान करते। भगत भाई जय हो, जय हो माता रानी। अपने आशीर्वाद में रखना माता रानी, अपनी छाया में रखना है ना, सबके ऊपर छाया में रखना अपनी। जो भी भक्तगण आए थे तुम्हारे इसमें श्रद्धा लेके उनकी मनोकामना पूरी करना माता रानी। तो फिलहाल हम भी घर की तरफ प्रस्थान करते भाई लोगों। यहाँ पर अभी जलेबी करारे करारे जलेबी नहीं है, आओ ले जाओ ताजी जलेबी। क्या बोला जी, मेरे को पास देना बता दे। और पेटा 100 रुपया जलेबी कितने? 200। तो फिलहाल जलेबी का काफी तगड़ा बिजनेस चलता हुआ यहाँ पे, तो गर्मा गर्म जलेबी चल रही है। तो गर्मा गर्म जलेबी अभी बनी हुई, जलेबी का जोर शोर हो गया यहाँ पे। हमने करीबन 10 किलो जलेबी बेच दी यहाँ पे पोरियाल भाई के साथ। जलेबी दबादब बिक रही है। तो गाइस पैकअप पैकअप हो चुका है यहाँ पे, तो आज का मेले का भी समापन हो चुका है। देखो जरा पूरा माता रानी का प्रांगण खाली हो चुका है और अभी यहाँ पर 2-3 दिन के लिए किसी को नहीं आने देते हैं, है ना, क्योंकि केरी रखी जाती है। हाँ, ये हमारे बताएंगे गुरुजी, बताएंगे गुरुजी यहाँ पर केरी रखी जाएगी। ठीक, 3 कॉल के बाद फिर यहाँ किसी को आना जाना नहीं होता है और 6 महीने तक भेद बंद होगा। तो ये होता है 6 महीने तक अभी कोई नहीं आ सकते यहाँ पर। तो ये काफी अच्छी नॉलेज दी हमारे गुरुजी ने हमको। तो फिलहाल इस हमी पे करते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग। कालिंगा मंदिर का ये स्पेशल एपिसोड अपने भाई दोस्त के साथ हम पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल गाइस, टाटा, बाय बाय।